What's up, stress boys? Hello and welcome to today's episode of Scratch by Sex. Yes, that's right. And today we are back at it. Bro, we are back at it. And we are listening to Ajnabi by Chen K. भाई ये तुम्हारा पता नहीं क्या स्पैम का सीन है, काम कर जाता है हमेशा. एवरी टाइम आई सर्च फॉर वीडियोज आई एंड अप एट चैन के वीडियो. वंस अगेन व्हेनेवर आई चेक द कमेंट्स मैन. सो इफ यू आर लिसनिंग टू अजनबी बाय चैन के, कसम से एज यूजुअल मैंने सुना नहीं है, बट सुनने के पहले मैं बोल सकता हूँ यार, कुछ होना हो वीडियो कॉन्सेप्ट एंड वीडियो इज गोना बी लेट. थंबनेल पे तो GIF चलता है, PC पे उससे ही मेरे को समझ में आ गया द वीडियो कॉन्सेप्ट इज गोना बी लेट ब्रो. सो विदाउट फर्दर डू वी आर जस्ट स्ट्रेट इनटू इट. दिस इज स्क्रैच बाय सेक्स एंड वी आर लिसनिंग टू अजनबी बाय चैन के. अजनबी कभी कभी लगे पैदा मैं गलत सदी, आए हंसी मुसीबत के वक्त में भी. हाउ फनी मेरी माँ चाइना की सगी घमंडी. अबे भाई भाई चैन ब्रो, वाई कैन नॉट यू टेक इट इजी भाई. कभी आराम से प्यारी बातें कर लिया करो, हमेशा मतलब लड़ने को तैयार है बंदा. मुसीबत के वक्त में भी. हाउ फनी मेरी माँ चाइना की सगी घमंडियों के साथ मैं भी घमंडी. पहली मुलाकात में पहचान दुनियत भी, शख्सियत भी ऐसी रब ने दी ऐसा से कम तरी. देखो शख्सियत भी अदबी रब ने दी. So it's, shit is rhyming, bro. मेरी माँ चाइना की सगी घमंडियों के साथ मैं भी घमंडी. पहली मुलाकात में पहचान दुनियत भी, पहली मुलाकात में ऐसी रब ने दी ऐसा से कम तरी में गुजरे दुश्मन की जिंदगी. रिंग 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 मेरी बंदी की कॉल है, माँ मेरी जान चल उर्दू अब गौर है. एक बेबी तुझे भी देख के तबा ये कॉम है, कल कॉलेज टाइम पे डेट का सीन ये ऑन है. मिलके ऑन है बाबा देख के तबा ये कॉम है, कल कॉलेज टाइम पे डेट का सीन ये ऑन है. मिलके देंगे माँ बाप को हम धोखा, उन्हें थोड़ी पता हम दोनों का जिसम भूखा. बनूंगा डैडी रेडी घर मेरे बेशरम दोस्त का, बंदोबस्त भी कर दिया कब्रों कमरों का. रिंग रिंग शक ससुर अंकल की कॉल है, बेटा मेरी बेटी ने बताया तू चिंग चौंग है. बता रही थी कि तू टिकटॉक में टॉप है, हिप हॉप में पापा. बेटी प्लीज में नहीं बोंगते बेटा तेरी कमाई. अबे यार दिस ओ माय गॉड. चलो थोड़े हल्के में ही आ रहा है ये गाना भाई. ठीक है हल्के में मतलब नॉट लिरिकली, लाइक द कॉन्सेप्ट इज नॉट स्ट्रेस नहीं है बेसिकली गाने में ब्रो. यू कैन एंजॉय द सॉन्ग स्ट्रेस बिना लेते हुए. बेसिकली क्रिटिसाइजिंग द फैक्ट, क्रिटिसाइजिंग द फैक्ट कि माँ बाप को धोखा देके ऐसे लोग. सो ओके कमरों का रिंग रिंग शक ससुर अंकल की कॉल है, बेटा मेरी बेटी ने बताया तू चिंग चौंग है. बता रही थी कि तू टिकटॉक में टॉप है, हिप हॉप में पापा. बेटी बीच में नहीं बोंगते बेटा तेरी कमाई के लाख से ज्यादा पास कर या गाड़ी जहाज में दुनिया क्या घूमने लगे तू बच्ची बात सा. बेटा तेरी कास क्या पंजाबी या सिंधी तुशिया या सुन्नी. ये तो पता नहीं अंकल पर मेरा नाम मुसलमान वाला खाला ने लेकर नाम अल्लाह का कब्जा कर मकान डाला. भाई यार इट्स लाइक अ 3 minute 40 seconds लॉन्ग टिकटॉक ब्रो. लेकर नाम अल्लाह का कब्जा कर मकान डाला. बोले खानदान सारा इसका काम हराम वाला, लड़का ये नाकाम साला क्योंकि मेरा घर किराए वाला. किराए का घर वो भी इसी दौर में, दुनिया भी किराए की समझे इसे गौर से. ओहो फुल प्रीच कर दिया अंकल को भाई यार. बोलते किराए का घर, इस जमाने में किराए का घर में रह रहे हो ब्रो, यू आर अ फेलियर. दैट्स व्हाट द अंकल इज ट्राइंग टू से. ही इज लाइक किराए की तो दुनिया है ब्रो. ओ भाई बार्स दे दिए भाई, माइक ड्रॉप कर दिया. किराए का घर वो भी इसी दौर में, दुनिया भी किराए की समझे इसे एडिट्स भाई से. समझा नहीं आर्टिस्ट जोर से बॉन्ग पे अंकल दुनिया में ट्रिक से और मैं अजनबी, मैं अजनबी मैं कोई बिग शाउट आउट्स कियानो रीव्स. दुनिया में ट्रिक से और मैं अजनबी, मैं अजनबी दुनिया में ट्रिक्स और मैं अजनबी. आई डू नॉट बिलोंग हियर अजनबी. बेसिकली मैं इस दुनिया में भी किराए, मैं इस दुनिया में भी किराए में रह रहा हूँ. ओ माय गॉड यार ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लाता है. द थिंग इज ही स्टार्टेड, पूरा गाना शुरू हुआ कि मैं अजनबी हूँ एंड लाइक द होल रिलेशनशिप थिंग, टॉकिंग टू दिस गर्ल्स फादर एंड एवरीथिंग. आफ्टर दैट फाइनली द वे ही कनेक्ट्स इट बैक टू द हुक इज सो इंटरेस्टिंग. बोलता है कि द अंकल जो थे वो बोल रहे हैं कि यार तू किराए के घर में रहते हैं, एंड ही इज लाइक मैं दुनिया में ही किराए में रह रहा हूँ बिकॉज दुनिया मैट्रिक्स और मैं यहाँ पे अजनबी. दुनिया मैट्रिक्स से और मैं अजनबी, मैं अजनबी मैं कोई अजनबी, मैं अजनबी मैं
अजनबी मैं कोई इस दुनिया का नहीं, अजनबी मैं कोई इस दुनिया का नहीं। वैसे आजकल मैं थोड़ा, मेरे को हुक ऑफ लग रहा है, दुनिया यहाँ का नहीं, मतलब कहीं तो थोड़ा ऑफ लग रहा है हुक मेरे को, बट द कॉन्सेप्ट इज गुड। आई एम हैविंग फन, स्ट्रेस कम है इसमें। वैसे आजकल मैं खुद भी कंफ्यूज, ऐसे कुछ लोगों को मुझ पे गुस्सा, जैसे मैं आरएसएस का मोदी मनहूस सा या मोदी का बाबू बजरंगी बेवकूफ सा गुस्सा। अबे यार तुम, यार मैं अभी यार गलत क्यों, अभी तो मैं समझा रहा था ब्रो स्ट्रेस स्वयं को, यार स्ट्रेस नहीं है गाने में, क्यों मतलब यार काट रहा है ब्रो। मोदी मनहूस सा या मोदी का बाबू बजरंगी बेवकूफ सा गुस्सा को जनता को मुझ पे इतना, उस बाबू की तरह जैसे मैं दरिंदा, जैसे मैं खुशी से मुसलमान की लाशें गिनता, मजहब के नाम पे इंसान जलाता जिंदा। तुम लोगों की हेट मुझ पे बिल्कुल ठीक, मुझे खुद अपनी सोच पे आती उल्टी, जाहिल मैं नो डिग्री लिखूं उर्दू गीत, आई विश आई कुड बी स्टडीज हाई फाई यू नीड यू नो, ताकि मुझे भी लोग देते रेस्पेक्ट। What was that? What did he say? अपनी सोच पे आती उल्टी, जाहिल मैं नो डिग्री लिखूं उर्दू गीत, आई विश आई कुड बी स्टडीज हाई फाई यू नीड यू नो, ताकि मुझे भी लोग दे। Was that? I wish I could be. I wish I could be studies hi-fi you need. That rhymes, but थोड़ा तो कहीं पे grammar off लग रहा है मेरे को. I don't understand what he's trying to say right here. मैं no degree. But I get the point. Geet. Okay. I wish I could be studies hi-fi you need. You know, ताकि मुझे भी लोग देते respect. लगाता मैं unique का नाम Instagram पे. चलता दिमाग कहता मैं Quran handmade. रिश्ता माँ बहनों का God made या man made. एक fan hate के comment से बहक गया. क्या क्या, रिश्ता माँ बाप का गॉड मेड या मैन मेड, एक फैन तमा बहनों का गॉड मेड या मैन मेड, एक फैन हेट के कमेंट राइम बहक गया, बोला वो चेक कॉम नहीं तेरा माइंडसेट, तबा नाचने के साथ फहाशी भी एक कला, मैं सब ये मलिका शिरावत जैसी। 100 रुपए पर टुकड़ा इस खलीफा के ठट्टे। Oh my god yaar, yeah, he's trying to take shots again bro, he's trying to take shots. नाचने के साथ फहाशी भी एक कला, मैं सब ये मलिका शिरावत से सीख गया, ठीक है मान लिया भाड़ में गई परंपरा, नाचने के साथ आधा नंगा बदन कला, कल मेरी शूट पे भेज अपनी बहन जरा, सच्चा कलाकार मैं मेरा कलम खड़ा, बहुत हॉट फैन। अबे यार सच्चा कलमकार मैं मेरा कलम खड़ा, there are two ways basically, मैं अपने L से लिखता हूँ। अबे यार मेरी बहन जरा सच्चा कलाकार मैं मेरा कलम खड़ा, बहुत हार्ड फैन नोरा फतेही का मैं, बहुत हार्ड गर्मी 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 गंदी नंगी बंदी, बहुत आर्ट से याद कौन पॉन्ट से नेटफ्लिक्स से, कौन कहता है कि केस वायलेंस वो बेहिस, नेटफ्लिक्स ने मुझे मजहब से ज्यादा इल्म दिया, जेंडर नहीं प्यार में सारे सुराग टीम की, वा कृष्णा को मुँह में मेरा प्यार लेना है, मैं आसमानी मेरा जमीन पे हर कोई नाम ले रहा है, मैं आसमान में जमीन में हर कोई मेरा नाम ले रहा है, दीदी टेक शॉट्स एट कृष्णा, मेरा प्यार लेना है, मैं आसमानी मेरा जमीन पे हर कोई नाम ले रहा है, अजनबी मैं कोई देयर्स नो डाउट ही यूज्ड टू लिसन टू Eminem बैक देन ब्रो, ही वांट्स द कंट्रोवर्सी, अजनबी मैं कोई इस दुनिया का नहीं। मैं कसम से एक बात बताऊं ब्रो, लाइक इट्स मतलब अ स्ट्रेस बॉय टू द स्ट्रेस बॉयज ब्रो, पर्सनल बात, मतलब अगर कभी ऐसा होता कि यार चन के ऐसे गानों में कहीं पे मेरा नाम लेता, मेरे पे शॉट्स लेता, मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं ऑफेंड नहीं होता ब्रो, मैं एंटरटेन होता इस समय, देखता लाइक यार आई डोंट अंडरस्टैंड, ही हैज दिस आइडियोलॉजीज, उसके बारे में वो बात करता है, एंड आई डोंट फील लाइक दिस शिट इज ऑफेंसिव सम हाउ, आई डोंट नो मेरे को यार पता नहीं क्यों होता है, लेकिन मतलब दिस शिट इज फन ब्रो, आई डोंट नो हाउ पीपल गेट ऑफेंडेड, एंड भाई मतलब हर चीज़ को दिल पे नहीं लेना होता। मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ है, इस गाने में भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनके साथ मैं एक्चुअली पर्सनली मैं मतलब सहमत नहीं हूँ,
ठीक है, आई बिलीव द ऑपोजिट थिंग्स, ठीक है, द वे ही सेज कि यार मतलब वो टेररिस्ट मुस्लिम टेररिस्ट एंड एवरीथिंग, ही इज ट्राइंग टू स्टैंड फॉर द मुस्लिम, दैट इज नाइस थिंग, बट मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यार ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म हटाओ ब्रो, थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, दैट इज हाउ आई थिंक. तो ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं अलग बिलीव करता हूँ, बट स्टिल मैन आई डो नॉट गेट ऑफेंडेड एट द थॉट्स दैट ही हैज एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस. वही बात है ब्रो, लाइक आई डोंट सी हाउ पीपल गेट ऑफेंडेड. यू लाइक टू मतलब यू हैव टू गेट ओवर सम थिंग्स मैन, यू हैव टू गेट ओवर सम थिंग्स. सो यू नो मतलब दैट्स द होल पॉइंट ऑफेंडिंग पीपल, हैविंग फन आउट ऑफ इट, उसको मजे आते हैं इन चीज़ों से. सो जस्ट लाइक वाज सेइंग, गाने में स्ट्रेस नहीं है, ही प्रूव मी रॉन्ग. ठीक है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है, मतलब ही जस्ट वॉन्ट्स द स्मोक मैन, ही वॉन्ट्स द कॉन्ट्रोवर्सी फ्रॉम एवरी वन. सो इट डजेंट मैटर इफ ही गेट्स अ रिप्लाई और नॉट, and it's not for the clout and anything, he likes to do it, he does it. तो ये मेरे को बहुत साफ समझ आता है, I really appreciate and respect the fact that he's trying to speak his heart out, whatever it may be. So let me know what you think about this song. It was a fun concept, पहले it was lighter but with time it kind of got dark. He started taking shots and him and मतलब चारों तरफ there were shots flying चारों तरफ. Let me know what you think about that. बहुत चीज़ें बोली है तो मैं एक ओपिनियन दे नहीं सकता इसके बारे में, थिंग्स दैट आई मतलब जिनके साथ मैं सहमत हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ मैं नहीं हूँ. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉन्ग एंड दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक द वाओ, नहीं पसंद दैट इज लाइक द वाओ, बट इफ यू एंजॉय माय चैनल सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, नीचे रेड वाला बटन दब जाना चाहिए भाई, और कुछ दबाओ ना दबाओ भाई, क्या गंदे बेकार के जोक्स आते कभी कभी दिमाग में. एनीवेज, टैप द बेल आइकन, घंटा बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ. मेरे गाने नहीं सुने हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ, जाके मेरे चैनल पे मेरे गाने सुनो. दूसरे वीडियोस चैन के देखने हैं, दूसरे जिसके भी वीडियोस यार, इफ यू कैन फाइंड इट ऑन माय चैनल मेक श्योर टू वॉच इट. उसके बाद कोई पर्सपेक्टिव बनाना है उसके बाद दिमाग में, इट इज़ अ वेरी नॉन टॉक्सिक फैम, आई वेलकम यू ओवर हियर. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट, सब्सक्राइब दबाओ, जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स गेट कनेक्टेड. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज बिग स्क्रैच. And I'm out. Riding the tents, bitch, I stay committed, huh? Eat the rapper, the two, I spit him. I bring a ladder, I climb over these gimmicks. Yeah. Instrumentals, I stab and kill him. They call me mental, my screws loose. I'm looking, but my cranium hurts. I am still playing the ball. Y'all in the stadium, watch me dribble, aim at a shot. And I'm gonna be on the mic, even when the radio.